ये फीमेल है, मतलब नागिन जिसको बोलते हैं। हाँ तो हाय दो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि अभी एक हमारे सामने में 2 फीट कोलियरी है, तो उसी कोलियरी में वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप के वेल्डिंग सेक्शन में शायद कोई सांप निकला है, तो हम लोग आके देखते हैं, जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है। देख सकते हो ये वर्कशॉप है, 2 फीट कोलियरी का बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है। ओके, आके दे आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। अरे देखो नाग है यार, प्योर नाग है, प्योर नाग है यार, बोल रहे क्या नाग है, नाग है इससे पूरा फैला दिया। वीडियो लेने बोला यार, इसी का कैमरा है। ले जाइए भैया इसको, गेहूँ गेहूँ आपने फोन किया, बहुत अच्छा काम किया, अमीर आज बच गया, हमारा तो बहुत काम। चलिए बाहर लेके, मिठू बाहर ले, बाहर ले, चलो बाहर ले, चलो है ना, बहुत ही हेल्दी है। इसका जो धूम है ये कट गया, अरे इनका भी चेहरा लगते हैं मोबाइल पे। हाँ बार बार मिलेंगे, बार हाँ मिठू फोटो लेके अरे यार जो सर देख सकते हैं, ये ना भारत का बोला जाता है बहुत ही जहरीला सांपों में से एक, ये इसको हम लोग लोकल में सर इसको हम लोग गेहूँ
हरीस और इंग्लिश नेम इसका स्पेक्टिकल कोबरा है। कोबरा और इसमें जो जहर पाया जाता है ना वो नियोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो ह्यूमन के लिए काफी ही खतरनाक साबित होता है। मतलब इसका एक बूंद भी मुझे लगता है। और इसमें एक खासियत क्या है कि ये 70 से 80% ये फॉल्स बाइट करता है। और इसी के फॉल्स बाइट के कारण ही जो आप जो देसी इलाज होता है ओझा मुनि का जो 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 इलाज होता है वो लोग फॉल्स बाइट में जो आदमी को बचा लेते हैं उसी में उन लोग का नाम होता है। अगर ये सब एकदम अंधविश्वास की बातें होती है कभी भी अगर आपको स्नेक बाइट होता है मान लीजिए इस तरह का सांप है या फिर कोई गरत है कोई भी जहरीला सांप है तो आप तुरंत पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। हमेशा पहले डॉक्टर की सलाह लेके कोई भी सरकारी अस्पताल जाइए जैसा कि हम लोग का इधर धनबाद में आपका जो पी एम सी एच है वहाँ पे आप जाइए इसका बना एंटीडोज उसमें आपको जान से बचाया जा सकता है। और ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। ये व्हाट्सएप में ही लग रहा है कि बहुत दिनों से है बहुत दिनों से है। और ये एक फीमेल है ये फीमेल है मतलब नागिन जिसको बोलते हैं ये फीमेल है। और इसका तेल जो है ये इसका वेनम टीथ है उसमें जाग रहा हूँ जहरवा निकाल रहा। ये जैसे ये दाबे का देखिए निकल रहा है। हाँ हाँ आमिर बैठा हुआ था उसके पीछे ठीक है। जैसे प्रेस करेगा इन लोग का जो टीथ होता है वो सीरीज की तरह रहता है इंजेक्शन सीरीज की तरह रहता है। मतलब ये चाहेगा तभी वेनम निकलेगा। और दूसरे सांपों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उस सांपों में जैसे कि रसल वाइपर में क्या होता है कि उसका टीथ ऐसा नहीं होता। वो अगर यदि बाइट किया तो उसका वेनम तुरंत निकलेगा। ये मनचाह है मर्जी से मतलब ये वेनम को निकालता है। मतलब कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहते ये जो इसीलिए इसको काफ़ी खतरनाक और बोला जाता है। इसको चोट भी लगा है बहुत पहले लगा है ये देख सकते हैं कहीं यहाँ पे चोट लगा है अभी भी लगा होगा रेड से सब उड़ रहा था अगर देखिए ये सब हम लोग का क्या है कि पर्यावरण मित्र है। और ये लोग यदि रहता है तो आपका अगर जो इन्वायरमेंट में ये रहता है तो एक साइकिल की तरह बना होगा। इन लोग का भी रहना भी बहुत जरूरी होता है। बस लोगों से दूर रहे ताकि इसमें लोगों को भी जान को बचाया जा सकता है और कि आपका ये सांपों को भी जान को बचाया जा सकता है। तो ठीक है इसको हम साथ इसको पैक करके इसको हम फॉरेस्ट में छोड़ देंगे रिलीज कर देते क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है स्नेक रेस्क्यू है मिठू मातो के नाम से। उसमें हम हमेशा इसी तरह का जो भी रहता है जहाँ भी रेस्क्यू रहता है वहाँ पे हम जाके सांपों को बचाते हैं। बचाने का ये मेन उद्देश्य मेरा यही है पब्लिक को मारने का। वही जानकारी नहीं होने के कारण से ना वो लोग बिना जहर वाले जैसे कि धामन रहता है मोड़िया रहता है ये सब को ऐसे ही वो लोग मार देता है। देखिए मोहन क्या है भाई वही तो बिना और बोला भी जाता है कि सांप ऐसा चीज है ना बिना प्रशिक्षण में कभी भी इससे छुटकारी नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी भूल ही आपको बहुत बड़ा दुर्घटना कर सकता है। जैसे कि वर्कशॉप में काम में भी वैसा जैसे एसओपी को ध्यान में रख के काम किया जाता है उसी तरह से इसमें भी एसओपी को एक ध्यान देकर रखा जाता है। अगर एक भी गलती करते हैं तो आपको सांप घुस गया था मेरा डिक्की में ये इसी तरह से मतलब लोगों को डराता है ताकि हम सुरक्षित रहे अपना जान सबको बचाना बहुत कम रहा बहुत ज्यादा फूकता है।